हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10th SSC महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेयर R इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री एंड एंगल N इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड N। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और वो क्या है हमारे पास, साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नेमिंग कर लेते हैं MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वेयर R हमारे पास कितना दे रखा है, 5x माइनस 13 डिग्री एंड N कितना दे रखा है हमारे पास, 4x प्लस 4 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब वी नो दैट ऑल साइक्लिक क्वाड्रेटर अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मींस एंगल R प्लस एंगल N इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? बाय साइक्लिक क्वाड्रेटर थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ गई? तो एंगल R हमारे पास कितना गिवन है, 5x माइनस 3, 5x माइनस 13 है, प्लस एंगल R कितना है, 4x प्लस 4 है, 4x प्लस 4 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 13, देखो 5x प्लस 4x कितना होगा, 9x, और ये हमारे पास कितना होगा, माइनस 13 और 4 माइनस 4 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 इक्वल टू 180। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, ये क्या हो गया, 9x इक्वल टू 180 प्लस 9, 9x इक्वल टू कितना, 189, x इक्वल टू कितना हो गया, 189 डिवाइड बाई 9। तो फाइनली वी विल गेट, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21 आ गई वैल्यू। तो हमें क्या बताया, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R, तो मेजर ऑफ एंगल कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल R, तो मेजर ऑफ एंगल R कितना हमारे पास, 5x माइनस 13 है स्टूडेंट, तो 5x माइनस 13, तो यहाँ पे क्या कहोगे, 521 माइनस 13 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 और ये 10 हो जाएगा, 105 माइनस 13, तो फाइनली वी विल गेट 105 माइनस 13, 105 माइनस 13 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 105 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 92 आ गया। एंगल मेजर ऑफ एंगल R इक्वल टू जो हो गया 92 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, 92 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ठीक है, अब हमें क्या बताना है, मेजर ऑफ एंगल N, मेजर ऑफ एंगल N, ये कितना हमारे पास, 4x प्लस 4 डिग्री है, 4x प्लस 4 है, तो 4x कितना हमारे पास, 21 है, प्लस 4 ये कितना है, 84 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, 88 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, एंगल R एंड एंगल N, तो एंगल R हमारे पास कितना, 92 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल N कितना हो गया, 88 डिग्री हो गया। क्लियर फ्रेंड, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दे रखा इन फिगर सेगमेंट RS, RS इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, पॉइंट T लाइक इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, देन प्रूव दैट RTS इज एन एक्यूट एंगल। तो हम इसके लिए हम एक सर्कल डिजाइन करेंगे, द सर्कल विद सेंटर O एंड RS इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, मीन्स दिस वन, RS क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, गिवन है ये, RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड जो T पॉइंट है वो है एक्सटीरियर पॉइंट, सपोज करो दिस वन पॉइंट, T हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, देन हमें प्रूव करना है RTS, RTS इज एन एक्यूट एंगल, मींस एक्यूट एंगल का मतलब होना चाहिए एंगल RTS लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे सेगमेंट को, ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन करो, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे आर पी, पी को ज्वाइन कर लेंगे एंड दिस वन, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, पी एस को भी ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कंसीडर यहां पर हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, हैविंग डायमीटर आर एस, हैविंग डायमीटर सेगमेंट आर एस। क्लियर स्टूडेंट, कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग डायमीटर सेगमेंट आर एस, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ आर पी पी एस एंड एच डी, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ये स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ आर पी, ड्रॉ सेगमेंट आर पी, आर पी सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एच पी। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो इसका प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ वी नो दैट ये आर एस हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, एंड डायमीटर के अलॉन्ग जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आपको तो पता ही होगा। तो यहां पर देखो जो हमारा सेगमेंट क्या है, सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एंगल आर पी एस, देखो एंगल आर पी एस कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, आर पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से थ्योरम से, बाय एंगल इंस्क्राइब बाय सेमी सर्कल, बाय क्या होगा, बाय थ्योरम, बाय एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, बाय एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बाय एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल थ्योरम, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो यहां पर इंटर एंगल पी टी एस में एंगल आर पी एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल आर पी एस ग्रेटर देन देखो आर पी एस ग्रेटर देन एंगल पी टी एस होगा, ठीक है, एंगल पी टी एस। या हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे ये भी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी टी एस एंगल आर पी एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल आर पी एस इज एन देखो एंगल पी ट्राइंगल पी टी एस में आर पी एस क्या होगा, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल आर पी एस ग्रेटर देन एंगल पी टी एस। इसका रीजन क्या लिख देंगे, बट बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसको इक्वेशन वन दे दो और इसको इक्वेशन टू दे दो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, देखो आरपीएस 90 है, ठीक है, और पीटीएस क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो यहां पर देखो आरपीएस की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो यहां पर आरपीएस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 ग्रेटर देन एंगल पीटीएस, क्लियर है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
एंगल PTS लेस देन 90 डिग्री, क्लियर है? इतनी बार समझ, देखो जस्ट क्या है, हमने जस्ट इसको इधर लिखे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लिया। देखो PTS, PTS तो PTS को हम क्या लिख सकते हैं, RP, देखो PTS, PTS तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, RTS भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास RT NT इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स हम यहां पर ये लिख सकते हैं PTS के जगह पर क्या लिख सकते हैं, RPS, तो एंगल RPS लेस देन 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका हम रीजन लिख लेंगे कि लाइन RPNT इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इसका मतलब क्या है, R-P-T, इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो लाइन है RPT इज ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर इसको देख के हमें क्या लिखता है, ये क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट, ये क्या प्रूव कर रहा है, यहां पर साइड में लिख दोगे, दिस प्रूव दैट RPS इज एन स्ट्रेट लाइन, दिस प्रूव दैट एंगल RPS इज एन एक्यूट एंगल, क्लियर स्टूडेंट? एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल 90 से कम हो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट? आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।